नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 सितंबर मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 मकानों की रजिस्ट्री करने के बदले उप पंजीयन कार्यालय के रीडर को 11,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम की ओर से इसके आवास समेत अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी के एसपी राजेश आर्य ने बताया कि सुबह परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसने निवाई उप पंजीयक कार्यालय में 2 मकानों की रजिस्ट्री के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन रीडर लाडपुर कॉलोनी टोडा राय सिंह निवासी कमलेश मीना इन मकानों की 30 लाख रुपए की होने वाली रजिस्ट्री के बदले 15,000 रुपए की बतौर कमीशन मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर रीडर को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों दबोच लिया। रीडर से पूछताछ चल रही है। विधानसभा के बजट सत्र को खत्म करने का प्रोसेस नहीं करके उसे कंटिन्यू करने पर हुए विवाद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा, हमने जानबूझकर असेंबल को कंटिन्यू रखा है, अगर इनकी नियत खराब हो जाए तो हमने इनकी ऐसी हालत कर दी कि चलने नहीं दी, इनका बस चले तो ये सरकार गिरा दें, इसीलिए जानबूझकर हमने ऐसा किया। गहलोत ने कहा, बीजेपी वालों से पूछिए विधानसभा सत्र को कंटिन्यू रखने की ये नौबत क्यों आई, असेंबली कंटिन्यू क्यों रखी गई, इन्होंने देश में हॉर्स ट्रेंडिंग का नया मॉडल बनाया, सरकारें गिरा रहे हैं, पहले अरुणाचल फिर एमपी, कर्नाटक महाराष्ट्र में सरकारें गिराई, झारखंड में कोशिश की, कई राज्यों में कोशिश कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, पिछली बार राज्यपाल को मजबूर कर दिया। कोटा जिले में हत्या के प्रयास के करीब 5 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर जिला जज ने 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश स्वाति शर्मा ने आरोपी छोटू उर्फ विजय सिंह, श्याम सिंह, नंद किशोर और प्रहलाद सिंह को आजीवन कारावास की सजा व प्रतीक को 21,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से फरियादी के परिवार के सदस्यों पर हमला किया था। अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि फरियादी 22 वर्षीय विक्रम सिंह निवासी बारा ने पर्चा बयान के आधार पर मंडाना थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें विक्रम सिंह ने बताया था कि 22 अक्टूबर 2017 को वो कसार में उसके मामा रामकिशन सिंह के यहाँ रह रहे भाई नरेंद्र सिंह से मिलने आया था। उसी दौरान काली माता मंदिर के पास छोटू सिंह, श्याम सिंह, नंद किशोर, प्रहलाद सिंह, उसके मामा जगदीश सिंह से पुरानी रंजिश को लेकर चाकू व लठ से मारपीट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम मंगलवार को खेला जाएगा। यह मैच मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप में उनके साथ KL राहुल ही पारी का आगाज करेंगे, लेकिन यहां संभावना है कि उनके साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए उतरें। अपनी पिछली T20 पारी में शतक जड़ने वाले कोहली को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा जा सकता है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चोटी के 4 बल्लेबाज तय हैं, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि प्लेइंग 11 में विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत को चुना जाएगा या दिनेश कार्तिक को। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के कारण भारत पंत को बाएं हाथ का बल्लेबाज होने के कारण कार्तिक पर तरजीह दे सकता है। जयपुर में दिन दिहाड़े डॉक्टर के घर पर लुटेरों ने धावा बोल दिया। हथियारों के बल पर पुरानी नौकरानी के साथ घुसे 2 बदमाशों ने बुजुर्ग डॉक्टर पर हमला किया, वो लहूलुहान हो गए। उन्हें एक कमरे में डाल दिया और अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने कैश लेकर फरार हो गए। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर विस्तार का है। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई मगर लुटेरों का सुराग नहीं लग पाया। ACP वैशाली नगर आलोक सैनी ने बताया कि हनुमान नगर विस्तार में रहने वाले 65 वर्षीय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती के घर लूट की वारदात हुई है। वह SMS हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं। उनकी पत्नी नरसीन भारती कामटिया हॉस्पिटल में डॉक्टर है। लूट की सूचना पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने FSL टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए। घायल डॉक्टर भारती को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। पुलिस CCTV फुटेज को खंगालने में लगी है। लूट में शामिल महिला का नाम अन्नू है। बताया जा रहा है कि वह नेपाल की रहने वाली है। अजमेर के JP नगर मदार में 14 साल की नाबालिग लड़की ने घर पर अपनी स्टॉल से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अलवरगेट थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि JP नगर मदार निवासी 14 साल की त्रिशा शर्मा ने घर के हॉल में अपनी स्टॉल से फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया।
इस दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद उसका भाई सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो उसने अपनी बहन को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। मृतक त्रिशा के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में अभी तक परिवार वालों ने भी आत्महत्या के कारणों को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। मामले में जांच की जा रही है। त्रिशा राजाकोटी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किरेन रिजिजू ने कैप्टन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैप्टन के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा पुराने साथी भी भाजपा में शामिल हुए। कैप्टन ने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया। कैप्टन के साथ भाजपा में शामिल होने वालों में उनके बेटे युवराज रणिंदर सिंह, बेटी बीबा जयिंदर कौर, पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी, पंजाब महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बलवीर राणा सोडी, महल कलां की पूर्व MLA हरचांद कौर, अमृतसर साउथ के पूर्व MLA हरजिंदर सिंह ठेकेदार, मानसा के पूर्व MLA प्रेम मित्तल के अलावा अमरीक सिंह आलीवाल व केवल सिंह भी हैं। कैप्टन के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाले ज्यादातर नेता मालवा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मालवा पंजाब का ग्रामीण इलाका है जहां भाजपा का खास जनाधार नहीं है। कैप्टन के इन नेताओं के आने से मालवा एरिया में भाजपा के मजबूत होने का दावा किया है। बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे 68 पर ड्राइवर ने ट्रेलर हुक से लटककर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने गांव की लड़की से परेशान होकर सुसाइड करने की रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार लूणकर अंसर बीकानेर निवासी 29 वर्षीय देवेंद्र जाखड़ बीकानेर से बाड़मेर FCA गोदाम में गेहूं खाली करने के लिए आया था। रात को देवेंद्र ने ट्रेलर के हुक से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। आरोप है कि लूणकर अंसर गांव की युवती मृतक से रुपए की डिमांड करती थी, नहीं देने पर झूठा मुकदमा की धमकी देकर ब्लैकमेल व टॉर्चर करती थी। इसे परेशान और आहत होकर ड्राइवर ट्रेलर के हुक से लटक कर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी पर मिले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक 21 वर्षीय संदीप दास गुमानपुरा इलाके का निवासी था। वो रात को खाना खाकर घर से निकला था जो वापस घर नहीं लौटा। सुबह स्टील ब्रिज पर युवक की खून से सनी लाश मिली थी। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। परिवार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदीप लाइट की दुकान पर काम करता था। वो रोज रात को घर पर देरी से आता था। घर पर देरी से आने के कारण परिवार वाले उसे टोकते थे, इससे वो परेशान रहता था। रविवार को भी परिजनों ने देरी से घर आने पर उसे टोका था। संदीप रात करीब 9 बजे घर से खाना खाकर निकला था, फिर वापस नहीं लौटा। संदीप अपने माता पिता, बड़े भाई व दादी के साथ रहता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में हुई लाइट समिति की बैठक में चाइनीज लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह पहली बार है जब दीपावली पर चाइनीज लाइटों के उपयोग न करने का निर्णय किया है। बकायदा इसका प्रस्ताव समिति के पास किया है ताकि आने वाले समय में दीपावली पर होने वाली रोशनी में इनका उपयोग नहीं किया जा सके। इसके अलावा बैठक में शहर की लाइटें जो खराब पड़ी हैं उन्हें ठीक नहीं करने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी चर्चा हुई। ग्रेटर नगर निगम में लाइट समिति के चेयरमैन सुखप्रीत बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दीपावली पर जयपुर शहर के बाजारों में होने वाली सजावट में चाइनीज लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया।